में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो कक्षा 10 का चौथा अध्याय है। तो इसमें हम अगर देखें समांतर श्रेणी के बारे में, तो समांतर श्रेणी को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि अगले पद में कुछ हम यदि जोड़ते हैं निश्चित संख्या, तो जो अगला पद हमको मिलता है वह एक क्रम में रहता है। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या रहते हैं 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो क्रम है हमारे पास 1, 2, 3, 4 का, तो इसमें जो अंतर आ रहा है वह एक, यहाँ भी एक। इसका मतलब जो अगला पद आएगा उसमें भी एक का अंतर रहेगा और अगला पद हो जाएगा हमारे पास 5। तो निश्चित संख्या को जब हम पिछले पद में जोड़ते हैं तो वह एक समांतर श्रेणी का रूप ले लेता है। यहाँ पर जो एक आया है ये कहलाता है सार्व अंतर। तो इस प्रकार से जो सार्व अंतर है वह प्रत्येक पद के लिए समान रहता है और जिससे कि हमें समांतरण श्रेणी मिल जाती है। अतः से और उदाहरण देखते हैं यदि हम समांतर श्रेणी का, तो 2, 4, 6, 8 इसमें यदि हम सार्वंतर देखें या निकालें तो इसमें 2 का अंतर आता है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में जब एक निश्चित सार्वांतर मिलता है तब हमको अगला पद प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम चेक करें कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हम चेक कर सकते हैं 11, 15, 18, 20 क्या यह समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 4, यहाँ पर अंतर है 3, यहाँ पर अंतर है 2। इसका मतलब यह हुआ यह समांतर श्रेणी नहीं है। और जैसे हम सवाल देखते हैं 2, 2, 2, 2 यहाँ पर देखिए सार्वांतर कितना है 1, यहाँ पर भी सार्वांतर 1, यहाँ पर भी सार्वांतर 1। इसका मतलब यह है समांतर श्रेणी है। अब यदि हम आगे के पदों को ज्ञात करें, आगे के पद अगले 3 पद हम निकालते हैं, यदि 5, 11, 17, 23 यहाँ पर कौन से पद आएंगे ये अब हम जान सकते हैं, क्योंकि हमने अब सार्वांतर निकालना सीख लिया है। यहाँ पर सार्वांतर कितना है 6, यहाँ पर सार्वांतर कितना है 6, यहाँ पर सार्वांतर कितना है 6। तो यदि हम 23 में 6 जोड़ दें यह हो जाएगा 29, 29 में 6 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 35, और 35 में अगर 6 जोड़ दें यह हो जाएगा 41। तो यहाँ पर हम जोड़ने से हमको अगले 3 पद मिल गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यदि निश्चित संख्या जो कि सार्वांतर है उसको यदि हम जोड़ते जाएं तो हमको समांतरण श्रेणी मिल जाती है। अब इसको हम आगे देखते हैं, यदि व्यापक रूप क्या हो सकता है सार्वांतर श्रेणी का। तो हमने जैसा बताया कि एक निश्चित संख्या रहती है जो सार्वांतर कहलाती है, उसको हम यदि अगले पद में पिछले पद में जोड़ते जाएं तो हमको अगला पद मिलते जाएगा। यदि हमारे पास पहला पद ए था और सार्वांतर डी था तो ये हमने जोड़ दिया, इसके बाद हमने इसको ए प्लस 2D जोड़ दिया, सार्वांतर ए प्लस 3D जोड़ दिया। इस प्रकार से हमको ये पद मिलते रहेंगे। यह हमारे पास आ गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जिसके अंतर्गत हम समांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम आगे देखते हैं
कि यदि हमको प्रथम पद दिया है 10 और सार्वंतर दिया है हमको 3, तो हम एक समांतर श्रेणी की अपना कर सकते हैं। जैसे a बराबर 10, a धन d मतलब 10 ऋण 3 बराबर 7, a धन 2d बराबर 10 ऋण 2 गुणा ऋण 3, यह आ जाएगा 10 ऋण 6 मतलब 4 आ जाएगा। एक पद और निकाल लेते हैं, देखिए a प्लस 3d बराबर 10 धन 2 गुणा ऋण 3, यह आ जाएगा 10 ऋण 9 बराबर, यह आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के जो पद प्राप्त हो गए 7, 4 और 1। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी की रचना कर सकते हैं। तो अब यदि हम यहाँ पर यह देखें कि हमको मान लो बड़ी 100वां पद निकालना है, तो 100वां पद के लिए हम कैसे निकालेंगे, या 200वां पद निकालना है उसके लिए हम कैसे रचना करेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र आता है हमारे पास समांतर श्रेणी का n-वां पद। तो n-वां पद हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि प्रथम पद ये था हमारे पास t1 t2 a प्लस 2d t3 a प्लस 2d t4 a प्लस 3d, अगर हम बात करें कि n बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर देखिए 4 था यहाँ पर 3d था, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये a प्लस n है तो एक पद कम रहेगा, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर पद। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, यह हमारे पास सूत्र बन गया कोई सही पद निकालने का। अब कोई सही पद निकालने से मतलब यहाँ पर यह है, यदि हमको एक समांतर श्रेणी दी गई है 4, 7, 10, 13, इसका हमको 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो 10वें पद हम कैसे निकालेंगे। देखिए ए दिया है यहाँ पर 7, डी हमको मिल गया 7 ऋण 4 बराबर 3। हमको व्यापक सूत्र मालूम है, व्यापक रूप टी एन बराबर ए धन एन ऋण ए डी, तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा, एन का मान यहाँ पर 10वां पद निकालना है हमको, 7 धन 10 ऋण 1 ये आ गया डी, तो 7 धन 9, डी का मान हम रख देते हैं यदि 3, तो ये हमारे पास आ गया 7, 9, 27, 27 और 7, 34। अच्छा प्रथम पद हमारे पास यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी सब जगह 4 हो जाएगा, तो 27 और 4 कितना आ गया हमारे पास, यह आ गया 31। इस प्रकार से हम n-वां पद समांतर श्रेणी का निकाल सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, अब कल हम इसके आगे की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।